फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं आ चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक करके, बस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, जो कि डोलू ये रहा, क्योंकि मम्मी है नहीं तो मैं ही जाऊँगी दूध लेने के लिए, क्योंकि ममता कर रही है पढ़ाई तो जाके, नहीं तो मम्मी चल जाती थी। आप लोग जैसे देखते थे इस टाइम तक मम्मी चल जाती थी, तो मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और लालू भी पता नहीं कहाँ गया आज। आजकल तो जहाँ जिधर मैं घूमती हूँ उधर आता है, रोज आ जाता है दो तीन दिन से, पर आज भी आया था, पर अभी पता नहीं कहाँ चला गया। मैं जब जैसे अंदर गई डोलू लेने के लिए तब तक वो पता नहीं कहाँ चला गया। और बस अब मैं पहुँच गई हूँ दूध वालों घर के सामने जस्ट। अब आ रहा है खेतों के बीच से, तो मैं आ गई हूँ दूध लेके। और लालू को दे दिया मैंने रोटी। आजकल मतलब जितनी रोटी दो ना उतनी खा दे रहा है, नहीं तो और दिन जैसे उससे रोटी दो ना तो नहीं खाता था। तो मैंने उसको दो रोटी दी, क्योंकि दो ही रोटी बच रखी है, तो दोनों दे दिया मैंने उसको, क्योंकि अब उसने सीधा शाम को आना है। तो जाके तो उसको दे दी मैंने रोटी। और मैंने रख दिया ग्रीन टी बनाने के लिए। ग्रीन टी बन रही है हमारी, फिर मैं ग्रीन टी पियेंगे, फिर उसके बाद करूंगी मैं घर का काम शुरू। पहले मैं ऊपर वाले कमरों की करूंगी साफ सफाई, क्योंकि ना फिर धूप ज़्यादा तेज हो जाती है, तो ऊपर का छत जो है हमारा उसमें टाइल्स बिछी है तो उसको भी साफ करनी पड़ती है, क्योंकि ना फिर वो धूल बैठ जाती है उसके अंदर। तो जाके तो पहले मैं ऊपर छत की, मतलब ऊपर कमरों की और छत की सफाई करूंगी, फिर उसके बाद करूंगी नीचे कमरों की, और फिर बनाऊंगी मैं नाश्ता। तो मैं मिलूंगी आपको सीधा नाश्ता बनाते टाइम, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी भी बनाऊँ आज। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं किस तरीके से कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। तो हमारा सारा काम घर का, मतलब मैं सारा काम कर चुकी हूँ, घर का झाड़ू पोछा जो भी होता है, ऊपर वाले रूम की भी और नीचे वाले रूमों की भी सबकी हो चुकी है। और नाश्ता भी बन चुका है हमारा। और नाश्ते में बनाया है आज मैंने भिंडी की सब्जी, जो कि हमारे खेत की है, थोड़ी सी थी पर वही बनाया। उसमें मतलब प्याज ज़्यादा काटा मैंने तो जाके। और अब बनाऊंगी मैं कोल्ड कॉफ़ी, तो बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। और ममता की चल रही है अभी क्लास, आज हमारा पानी नहीं आ रहा है। सुबह से तीन चार बार मोटर चला दी, पानी नहीं आ रहा है। कल भी नहीं आया था पानी, अभी भी नहीं आ रहा है, पता नहीं देखो कब तक आता है पानी। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए चाहिए हमको सबसे पहले तो कॉफ़ी, फिर गर्म पानी जो कि मैंने गर्म कर दिया है, गर्म पानी चाहिए होता है, और चीनी जो कि छोटी कटोरी ली है मैंने, और यह है दूध जो कि एकदम ठंडा है, जो मैंने फ्रिज में रखा था और अब इसे फ्रीजर में डाल दूंगी मैं और ठंडा होने के लिए। तो हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी एकदम झाग वाली, जो झाग वाली बनती है कोल्ड कॉफ़ी वो बनाएंगे। और उसके लिए चाहिए हमको एक बॉटल, जो पानी की बॉटल होती है, तो इसमें डालेंगे हम गर्म पानी, कॉफ़ी, कॉफ़ी अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और कॉफ़ी अगर आपको ज़्यादा हार्ड कॉफ़ी पीनी है तो आप ज़्यादा कॉफ़ी डाल सकते हैं, और कम पीनी है तो कम डाल सकते हैं। और चीनी भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी है। तो इसमें डालेंगे बॉटल में हम पहले गर्म पानी, अब डालेंगे कॉफ़ी इतनी दो चम्मच, अब डालेंगे हम इसमें चीनी। तो इसमें डाल दिया है मैंने सब कुछ, कॉफ़ी, पानी और चीनी। और आप चाहे तो इसमें चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आप आपको अच्छा लगता हो आप वो डाल सकते हैं, पर मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं डाल रही। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें झाग बनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसको और मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि चीनी अभी अच्छे से गली नहीं है। तो हमने निकाल दिया है इधर अब दूध फ्रीजर से, और तो हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब डालेंगे दूध में सब चीज़ें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा झाग बना है। तो अब दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कॉफी बनी है, एकदम झाग वाली। आप चाहो तो ये जिसमें थोड़ा सा झाग बचा है आप ऊपर से डाल सकते हो, तो मैं इसको बाद में डालूंगी जब हम पियेंगे। तो ये बन चुका है, और तो इसको रख देती हूँ मैं फ्रीजर में और ठंडा होने के लिए। रेडी हो चुकी है हमारी कॉफी पीने के लिए, और अभी थोड़ी देर रुक के पियेंगे हम। तब तक मैं इसे फ्रीजर में डाल दूंगी, क्योंकि अभी ममता की चल रही है क्लास, तो क्या पता हम रुक के करें नाश्ता, या फिर जो भी होगा देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं कि कैसा होता है। तो मैं इसे फ्रीजर में डाल देती हूँ ताकि और ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा ठंडा पियो तो अच्छा लगता है। तो मैंने रख दिया है गिलास में कॉफ़ी को, और आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा कॉफ़ी भी डाल दी है, जो मैंने बोला था कि बाद में डालेंगे, तो डाल दी है। और आप देख सकते हैं पीने के लिए एकदम तैयार है कोल्ड कॉफ़ी। कितना खुश हो रहा है, बिस्किट खाने को मिल रहा है अभी, क्योंकि रोटी खा चुका है, अब बिस्किट की बारी। अब ममता दे रही है, खुद भी खा रही है और उसको भी दे रही है। मजा आ रहे हैं भाई।
ये कागज फेंक दे, अरनी को बोलती पहले सब इसको दे दे, अरनी देख कितन में ये फेंक गया, तू फेंक बदतमीज, खाक होके वो जरूर फेंक दे। खा लिया, खत्म, ये देखो खत्म, खत्म हो गया पैकेट, ले पैकेट भी ले जा भाई, नहीं है भाई, पहले पापा ने रोटी दी उसको, फिर शायद बिस्किट भी दिया इसमें से, ये खुला था ना पैकेट, हाँ तो ये नहीं खुला था ना कल तक, बंद था ये, तो इतने सारे बिस्किट देंगे 10 वाले तो, पापा ने दिया इसको, पहले बिस्कुट खा चुका, बस कर भाई लालू, भाई साहब इसको देखिए जरा, हद्दी हो गई इसके यार, इसको ज्यादा पसंद आ गया लगता है बिस्कुट। तो हमारा पानी नहीं आ रहा, मम्मी जा रही है डब्बे लेके पीछे, सरदार गए हम पता करने के लिए, मम्मी लोग आ गए थे दिन में 2:30 बजे करीब, फिर हम लोगों ने सबने साथ में ही खाया खाना, हम लोगों ने मतलब मैंने ममता ने मम पापा के साथ ही खाया खाना, और आज हमारा पानी आ ही नहीं रहा है, तो मम्मी अभी जा रही पीछे सरदारों के यहाँ पता करने के लिए, अगर वहाँ आ रहा होगा पानी, उन्होंने चला रखी होगी मोटर जो भी चलता है उनकी बोरिंग, तो पता करने गई है मम्मी वहाँ, फिर आएगी तो फिर मैं और ममता भी जाएंगे अगर आ रहा होगा पानी तो, क्योंकि आज ना पानी नहीं है बिल्कुल भी पीने के लिए, तो बिल्कुल ही आधी बाल्टी रह गई है, पानी ही नहीं है पीने का आज तो बिल्कुल भी, तो जाके गए हैं मम्मी पता करने के लिए, देखो क्या होता है, नहीं हुआ पानी तो फिर पता नहीं क्या होगा आज। ये ममता लालू को परेशान कर रही है, वो कैसे कर रहा है देखना, हट जा बल, तू जा रही है कि मार खाएगी बल, ये नहीं होता है भाई, तू उसको परेशान जबरदस्ती करा रही है तू, हेलो ये खुद से थोड़ी कर रहा हो, मैं और ममता मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी को देख रहेगा कि अभी तक आई नहीं, मम्मी गई है उधर, तो अभी तक आई नहीं है, मम्मी दिखी नहीं रही है, मैं और ममता यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं मम्मी को, हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है पानी की, है ममता, इसको तो क्या टेंशन होगी, मैडम ने तो कमरे के अंदर रहना है बस, ना बाहर आना खाने पीने के लिए बस, और बाथरूम के लिए, बाकी से अंदर रहना है, बाकी अगर पानी नहीं आया तो आज खाना कैसे बनेगा, रात को टंकी के पानी से बनेगा आज रात को खाना, फिर फिल्टर में है आधा आधा, और बाल्टी में है वो भी थोड़ा सा ही है, मतलब आधा भी नहीं बोल सकते उसको, उतना पानी है बस, क्योंकि कल ना मम्मी ने जैसे मोटर चलाई पानी आ रहा था, मम्मी ने पकड़ी दोनों बाल्टी और बाहर डाल के आ गई, तो फिर जब तक आधी भी नहीं हुई थी बाल्टी, तब तक लाइट ही चली गई, तो फिर पानी नहीं आया, तो मम्मी आ गई है, पता नहीं देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा पानी, मम्मी के हाथ में केन दिख रहा है, खाली है कि भर, खाली लेके आ रही पता नहीं ऊपर भर के ला रखी है शायद से, तो मम्मी आ रही है, वो आ रही है मम्मी सामने से पानी लेके, क्या मम्मी आ रहा है पानी, तो दे रहे हैं पानी, ममता जा रही है आगे से, मैं जा रही हूँ पीछे से ममता के, और मेरे पीछे से लालू भी आ रहा है, और मम्मी अभी आ रही है पीछे से, अभी आई नहीं है मम्मी, तो इसमें से भर रहे हैं पानी, बोरिंग है जो कि ये मम्मी ड्रम रख के ला रही है सर पे, मम्मी भी आ गई है पानी लेके, दो कैन मैं लेके आई, दो कैन ममता लेके आई, और ड्रम मम्मी लेके आई है, तो आज के लिए तो हो जाएगा, अब देखो अगर रात तक पानी नहीं आया तो कल फिर जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए वहां, और कल तो फिर ज्यादा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि शायद कल तक टंकियां भी खाली हो जाएंगी मेरे ख्याल से, तो जाके देखते हैं रात तक क्या होता है, तो पानी फाइनली आ गया है मतलब, तो जाके और अब आया है, 7:25 हो रहे हैं, मतलब मैं अभी आई हूँ जस्ट ऊपर छत पे, पहले मैंने नीचे की बाल्टी वाल्टी भरी दोबारा, जो लेके आए थे उनको मैंने टंकी में डाल दिया बाहर वाली टंकी में पानी, और फिर जो अब आया पानी वो भरा मैंने पीने के लिए, और मैं और मम्मी जा रहे थे शुक्र बाजार, क्योंकि आज शुक्र बाजार है, तो मैं हम लोग आधे रास्ते तक पहुंचे थे यहीं पे तक नहर वाले रास्ते पे, तब तक पापा का फोन आ गया कि बोलते मैंने मोटर चलवा दी है वहाँ, जो चलाते हैं मोटर उनसे बोल के चलवा दिया मोटर, तो पानी भर दो, तो फिर मैं वापस आ गई, तो मम्मी शुक्र बाजार चली गई है, मैं घर आ गई तो मैंने पानी भर दिया पीने का, और अब टंकियाँ भर रही है, तो टंकियाँ भरने में तो टाइम लगेगा क्योंकि वो खाली हो चुकी है, तो जाके क्योंकि ना बजने की आवाज़ आ रही है टंकियों में पानी, इस वाली में तो आ ही रही है, इस वाली में आवाज़ आ रही है कि पानी जा रहा है, तो जाके तो अभी टंकियाँ भरने में टाइम लगेगा, तब तक मैं थोड़ी देर छत पे घूमूंगी, और ममता की चल रही है क्लास, वो जैसे पानी लेके आई बस उसने केन रखे वहाँ पे और सीधा अपने कमरे में चले गई, उसने बोला कि आप इसको अंदर रख दो और मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो उसके यहाँ 10 मिनट लेट हो गई अपनी क्लास के लिए, तो क्लास देने चले गई, और पापा भी पता नहीं कहीं चले गए, जब तक मैं घर पहुंची तब तक पापा भी चले गए थे कहीं, क्योंकि पापा पहले हमसे पहले हम जब पानी लेने जा रहे थे उससे पहले चले गए थे पापा कहीं, मतलब शायद पानी की बात करने के लिए गए होंगे आई थिंक, ये मोटर तो देखते हैं, बस लाइट नहीं जानी चाहिए, अगर लाइट चलेगी तो फिर पानी चला जाएगा, फिर मम्मी आ गई है मार्केट से और लेके आई है आम, जो कि अच्छे हो रहे हैं अब खाने में,
और अब लाइट चले गई है, पानी भी चला गया, अभी तक एक टंकी भी पूरी नहीं भरी है, पता नहीं अब तो शायद। हाँ अब तो मेरे को लगता है कल सुबह ही आएगा सीधा पानी, आएगा तो अब नहीं चलाएंगे क्योंकि पानी को बंद कर देंगे अब। और जबकि कितने बजे, 7:30 भी नहीं हुए थे और 8:30 होने वाले, इतनी देर हो गई पर टंकी नहीं भरी क्योंकि ना सबने खोल दिया पानी, तो पानी अब मतलब आ रहा है पर बहुत कम आ रहा था, तो अभी तक एक टंकी पूरी नहीं भरी है। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलती हूँ मैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।